हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में अगस्त 2024 के पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अर्शद नदीम है। अर्शद नदीम फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं ओलंपिक्स में, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। और ये जो है पाकिस्तान ने इस मरतबा 2024 में जो गोल्ड मेडल विन किया है वो जेवलिन थ्रो में विन किया है। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें नेजे फेंके जाते हैं, जो नेजा जहां दूर जाएगा तो उस एथलीट को जो है वो इनाम से नवाजा जाएगा। किसी भी मेडल में, ओलंपिक्स में किसी भी मेडल में पाकिस्तान ने 32 सालों के बाद मेडल विन किया है, लेकिन गोल्ड मेडल, सोने का जो तमगा, जो गोल्ड मेडल जो होता है वो 40 साल के बाद पाकिस्तान ने विन किया। अर्शद नदीम की बात करें तो ये मियां चन्नू से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने जो नेजा फेंका वो 92.97 मीटर जाकर दूर गिरा, तो इन्हें गोल्ड मेडल से विन किया, और इन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये 8 अगस्त को इसका फाइनल हुआ, 8 अगस्त 2023 को। अगर हम ओलंपिक्स गेम्स की बात करें तो ये 2024 में जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं पेरिस में, फ्रांस में, और ये 33rd एडिशन है और समर ओलंपिक्स हैं ये। और ये जो है इनका जो इख्तिताम होगा वो 11 अगस्त को होगा, लेकिन जो शुरू हुए थे वो 26 जुलाई को शुरू हुए थे। पाकिस्तान के 7 एथलीट्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 7 एथलीट, 7 एथलीट्स। करंट जो चेयरमैन बने हैं एफबीआर के, ये राशिद महमूद लंगड़ियाल हैं, और ये 7 अगस्त को बने हैं, और इन्होंने मलिक अमजद जुबेर दीवाना को रिप्लेस किया है। व्हाट इज पाकिस्तान्स रैंक अमंग 119 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर 101 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका टाइटल है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, और इसमें टोटल 119 कंट्रीज हैं, 119 कंट्रीज हैं, लेकिन पाकिस्तान की रैंक 101 है, और टॉपर इसमें यूएसए है। यूएस इज टॉप्ड बाय, यूएसए जो है इसका टॉपर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच कंट्री विल होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2024-25? सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है क्रिकेट का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा 2025 में उसकी मेजबानी करेगा। इसकी ओपनिंग सेरेमनी कराची में होगी, क्लोजिंग सेरेमनी लाहौर में मुनक्किद की जाएगी। हाउ मेनी टोटल एथलीट्स? सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 7 एथलीट्स, 7 एथलीट्स जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में। योम इस्तेसाल जो है ये पाकिस्तान में 5 अगस्त को मनाया जाता है, 5 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी प्रोविंस विल लॉन्च अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इन अगस्त 2024? इसका करेक्ट आंसर पंजाब है। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अभी एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, और इस प्रोग्राम का नाम होगा अपनी छत अपना घर, और ये पंजाब में शुरू किया जाएगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम विच डेट? सो ये जो है न्यू इंटरनेशनल गवादर एयरपोर्ट का जो इफ्तिताह होगा, जो ऑपरेशनल ये होगा, इसका आगाज जो होगा वो 14 अगस्त 2024 से होगा। पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर क्वालिफाइड फॉर फाइनल ऑफ बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2024। सो नासिर इकबाल इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है बेगा ओपन स्क्वाश जो चैंपियन टूर्नामेंट है उसके लिए जो है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2024 किस मुल्क में हो रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बताइएगा। यानी कि बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2024 का जो वेन्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कंडेमिंग द किलिंग ऑफ विच हमास लीडर? सो इस्माइल हानिया को जो शहीद किया गया था उसको, उनकी जो जो कत्ल है उनका, उसके लिए कंडेम करते हुए, मजम्मत करते हुए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद जो है पेश की गई है, करारदाद को मंजूर किया गया है। विच कंट्रीज ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग ऑन 2 अगस्त 2024 आफ्टर द किलिंग ऑफ हमास लीडर इस्माइल हानिया? इस्माइल हानिया की शहादत के बाद 2 अगस्त 2024 को दो मुल्कों ने जो है योम सोग मनाया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है। हाउ मेनी टोटल बैंड आउटफिट्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में टोटल जो बैंड आउटफिट्स हैं यानी कि जो कलंदर तंजीमें जो हैं वो 81 हैं। ये पहले 79 हुआ करते थे, रिसेंटली अब जो है दो शामिल कर दिए गए, गुल बहादुर और ब्रिगेडियर मजीद जो ग्रुप हैं उनको भी जो है वो कलेदम तंजीम जो है करार दिया गया है। और testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। व्हाट्सएप पर
फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03082533300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।